फाइनली दोस्तों ट्रेन आ गई है और दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो फाइनली एक नई सफ़र पर निकल गए हैं और इस सफ़र में हम मुजफ्फरपुर से दिल्ली जाएंगे और अभी बजाय सुबह का 5 बजे यही ट्रेन मिला था, वो भी वेटिंग में टिकट काटा था तो RAC में सीट मिला है 3rd AC का। तो अभी ट्रेन आने वाली है 10 मिनट में, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। सफ़र है, सफ़र में बहुत मज़ा आने वाला है। मैं सोलो सफ़र ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ क्योंकि मुझे सोलो घूमना ज़्यादा पसंद है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए घुमाते हैं आपको ट्रेन का सफ़र। तो फाइनली दोस्तों ट्रेन आ गई है और नमस्कार, सीट ढूंढना है B455। पूरा अंधेरा अंधेरा है। 48, 51, 54, 55। तो फाइनली ये है हमारा सीट और 55 ऊपर में यहाँ पे, और अभी तो फिलहाल कोई नहीं आया है, अकेले हूँ। तो सीट मिल गया। तो फाइनली मुझे मुजफ्फरपुर से ट्रेन खुल गई है और सीट मिल गया है। और पापा के साथ आए थे तो पापा निकल गए और काफ़ी लंबा सफ़र है और कोई ऑप्शंस नहीं था इस ट्रेन के अलावा, तो कहीं से आना बहुत आसान होता है घर पे, लेकिन घर से निकलना उतना ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि कहीं से आने के लिए तो बस बैग उठाता हूँ चल आता हूँ और घर से निकलने के लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए अब ट्रेन खुल गई है, आगे का सफर बढ़ते हैं। 3 hours later दोस्तों RAC सीट जो होता है ना उस पर एक सीट पे दो लोग रहते हैं, तो जो एक और थे वो आ गए थे तो मैं उठ गया और उठकर फ्रेश वगैरह हो गया हूँ। अभी सिवान से आगे वाले स्टेशन पे हैं और घर से आया हूँ तो खाना वगैरह तो बन के मिल गया है। तो अब 12 बजने वाले हैं तो टाइम भी हो गया है खाना वगैरह खाने का। घर से लिट्टी पूरी भुजिया वगैरह मिला है, तो चलते हैं और कुछ नाश्ता वगैरह कर लेते हैं क्योंकि भूख भी लग गई है, समय भी हो गया है। शोर हो रहा है, एकदम कचरा बना हुआ है, जनरल बोगी लग रहा है ये 3rd AC।
सोने की कोशिश कर रहा हूँ, नींद नहीं आ रही, इतना हल्ला हो रहा है। टीटी से तो बात कर लिया हूँ, आधी सीट थी तो उन्होंने पूरी सीट कर दी, एक सीट एक्स्ट्रा दे दिया है। तो एक जो बंदा आया था नया सा वो उस पर चला गया और मैं यहीं पे हूँ। तो अब सही है, अब सोने में बन जाएगा क्योंकि रात भर रुकना है ट्रेन में, अभी और काटना है 10 घंटे। फाइनली उतर गए हैं ट्रेन से, ट्रेन 3 घंटे लेट हो गया था। तो फाइनली दोस्तों अमरपाली एक्सप्रेस के बारे में बताए तो एकदम बकवास ट्रेन है। पहले तो 4 घंटा लेट हो गया, ऊपर से थर्ड एसी का भी डब्बा लग रहा था, जनरल डब्बा है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था अमरपाली एक्सप्रेस के साथ, बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। स्टेशन के बाहर आ गए हैं, मेट्रो लेने जा रहे हैं। लाइन में लगे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है मेट्रो पे। अभी दिल्ली मेट्रो पे पैसेंजर लोग आते रहते हैं तो भीड़ लग जाती है यहाँ पे। दोस्तों जब भी आप दिल्ली आना ना तो मेट्रो कार्ड बनवा लेना, क्योंकि मेट्रो कार्ड बनवाने से बहुत फ़ायदा होता है। मेरे पास ऑलरेडी पहले से मेट्रो कार्ड था तो मुझे टोकन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ा, क्योंकि लाइन में बहुत भीड़ था। अगर कार्ड नहीं रहता तो फिर भीड़ का सामना करना पड़ता। इसलिए अब नीचे चलते हैं, वहाँ से मेट्रो में। दोस्तों मैं मेट्रो पे आ गया हूँ और मेट्रो लेके मैं अपने रूम पे जाऊँगा, और काफ़ी थक गया हूँ तो रेस्ट करूँगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं वीडियो यहीं पे मेट्रो पे ही समाप्त कर दे रहा हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी है वो आप मुझे कमेंट में बताइए, और अमरपाली एक्सप्रेस में कभी सफ़र किए हैं वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।